हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों देखिए, आज हम नोकिया का एक मोबाइल है जिसका मॉडल 112 RM837 दोस्तों नोकिया का मोबाइल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं के अंदर हम आपको कुछ डिफरेंट तरीका बताएंगे कि अगर ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पूरी तरीके से वाइट है, डिस्प्ले भी हमने नहीं डाली है, इंटरिंग वाइट आ रही। तो जब अगर डिस्प्ले वाइट आती है तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों जब अगर डिस्प्ले वाइट आती है तो हमको सबसे पहले इस डिस्प्ले को रिमूव कर लेना है, या तो आप हॉट गन से कर सकते हो या फिर आप देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। दोस्तों उसके बाद हमको क्या करना है, हमको हमारा मीटर मीटर की ज़रूरत पड़ना है यहाँ पे, और मीटर से हमको एक सिरे बजर की रेंज पे रखना है। देखिए ये बजर का रेंज है, तो एक सिरे को हमको कर देना ग्राउंड। और 5 पे तो वोल्टेज आ रहा है, 6 नंबर पे भी वोल्टेज है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर का जो पॉइंट है इसका, उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा सा क्लोज, देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो पॉइंट है उस पर वोल्टेज नहीं है, 8 नंबर का वोल्टेज उस पर भी वो नहीं है, 9 नंबर पे यहाँ पे ग्राउंड है, और देखिए दोस्तों 10वें पे भी नहीं है, 11वें पे और 12वां ग्राउंड है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, और 3 पॉइंट मिसिंग होने की वजह से इसके अंदर जो वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ माइक्रोमैक्स का, जिसमें हमने बताया है कि आप किस तरीके से वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो तरीका बिल्कुल वही है कि हम जो डिस्प्ले लगाते हैं उस डिस्प्ले के पॉइंटों पे सप्लाई आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक स्केच हमने बनाया है, देखिए मैं इससे आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट है आपको एक से लगा के पूरे 12 पॉइंट जो कि यहाँ पे हमारे डिस्प्ले के अंदर दिए होते हैं, तो उसके अंदर से यहाँ पे एक 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम हमको आ रहा है। हम यहाँ से इस सिरे को 1 लेते और लास्ट को हम लेते 12, तो 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर की के पॉइंट पे सप्लाई नहीं आ रही। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो हमको पता चल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब हमको भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया, हम इसको पहले ओपन कर लेते। ओपन करने के बाद में दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब हमने गूगल पे मैंने एक्चुअली इसको फाइंड आउट किया इसकी प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर मिला, लेकिन सॉल्यूशन जो मिला वो सॉल्यूशन हमारे मोबाइल के अंदर वो डिपार्टमेंट, वो पार्ट्स ही गायब था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो ही लाइट ग्राफिक्स का डिपार्टमेंट है, जो पॉइंट है यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा गूगल पे, ये जो पॉइंट ये निकले हुए ये सब कुछ यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो उसी की, ये जो पॉइंट मिसिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई मिसिंग है तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, बोर्ड था तो इस सेम बोर्ड की मदद से हमने इसका सॉल्यूशन किया। क्या सॉल्यूशन किया, किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमको इसकी भी ज़रूरत पड़नी है, मैं आपको इसलिए यहाँ पे ये पास में ही रख देता हूँ। देखिए दोस्तों,
यहाँ पे जो 10वें नंबर का जो पॉइंट है, 10वें नंबर की पॉइंट की सप्लाई को आप यहाँ जो उससे चेक करोगे तो आपका जो पॉइंट वो आता है, देखिए दोस्तों जो 10वें नंबर का जो पॉइंट है हमारा, उसकी सप्लाई यहाँ पे ये जो तीन पॉइंट दिए हुए तो वो जो पॉइंट 10वें नंबर की जो सप्लाई मिसिंग है उसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है, देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल के अंदर ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल मिसिंग है। यहाँ से देखिए हमारे मोबाइल में ये वाला पॉइंट मिसिंग है जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जंपर नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा जो हमारा मिसिंग पॉइंट है वो 8 नंबर का है। 8 नंबर का जो पॉइंट आता है वो दोस्तों यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे सप्लाई भी आ रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और 7वें नंबर का पॉइंट है वो यहाँ पे जो इसके पास में, दोनों पार्ट्स पे आ रहा है, लेकिन ये दोनों पार्ट्स, ये वाले जो दोनों पार्ट्स है वो हमारे यहाँ से मिसिंग है। देखिए ये दोनों मिसिंग है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर मिसिंग पार्ट्स है तो हम जंपर भी कहाँ लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों अगर ये पॉइंट अगर मिसिंग है तो अब हम जंपर भी कहाँ लगाएंगे? तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, बज़र की रेंज पे मीटर को सेट किया और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमने इसकी सेकेंड सप्लाई कहाँ पे कनेक्टिविटी है इसकी आई है तो हमने इसको चेक किया। देखिए दोस्तों ये जो सप्लाई इसकी यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो LED के इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये एक सप्लाई हमने चेक की। दूसरा ये जो पॉइंट है यहाँ से, इसको हमने जब चेक किया तो देखिए दोस्तों इसकी भी सप्लाई यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको मिल गई, ये लगा है। और इसके पास वाला जो है उसकी सप्लाई भी हमको यहीं पे इसके पास में जो डाइवर्ट है यहाँ का जो पॉइंट है सीधा आपके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका बज़र है, यहाँ पे इसका कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसका जंपर लगाएंगे। दूसरा ये दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स का जो है सप्लाई वो यहाँ इन दोनों पे, ये देखिए दोनों जो पार्ट्स लगे हुए हैं इन दोनों पार्ट्स पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा जो रियल बोर्ड है जिसको हमको रिपेयर करना, पूरी तरीके से यहाँ से लामत के अंदर हट चुके हैं, देखिए दोस्तों। तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डिस्प्ले इसमें लगा लेनी। तो देखिए दोस्तों हमने ये जो डिस्प्ले भी लगा दी और डिस्प्ले के साथ साथ जो जंपर जहाँ पे हमने को लगाने थे इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों, ये 10वें नंबर पे, ये देखिए उसके बाद में 8 और 7 नंबर पे हमने जंपर को बना लिया है। हमने अभी जंपर नहीं लगाया और हम आपको एक बार फिर से चेक भी करा देते हैं। मोबाइल अभी फ़िलहाल भी उसी कंडीशन में है, जंपर नहीं लगने पे ये वाइट ही है और जंपर लगने के बाद में इसका सॉल्यूशन हम चेक करेंगे। लेकिन पहले हम एक बार इसको ऐसे डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, मोबाइल की जो पोजीशन वो बिल्कुल सेम ही है, वाइट ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जंपर बना लिए, जंपर आपको बना लेने हैं और उसके बाद में हम बैक पे आ जाते हैं। 10वें नंबर के जंपर को हमने यहाँ से निकाला है नीचे से और ये LED के पास से निकाला है क्योंकि LED के पास में इसका जंपर लगाना है। तो LED के सेकेंड पॉइंट पे हमको जंपर लगा देना है यहाँ पे, देखिए ठीक है, ये जंपर हमारा लग गया। दूसरा वाला जो जंपर है हमारा 8 नंबर का जंपर है, तो 8 नंबर के जंपर को हमको, जैसे कि हमने यहाँ पे को पता थी कि ये जंपर यहाँ पे लगता है, लेकिन यहाँ पे इसका पॉइंट मिसिंग होने की वजह से हमने इसको फाइंड आउट यहाँ पे किया, कैमरे के पास में जो पार्ट्स लगा है हम इसका जंपर यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने लगा दिया। उसके बाद में जो सेकंड 7 नंबर का जो जंपर है, ये वाला 7 नंबर का जंपर, वो भी हम उसके पास में जस्ट पार्ट्स लगा उस पर लगा देंगे। देखिए दोस्तों
थोड़ा सा बिल्कुल जूम करके हम आपको बताएंगे। देखो ये दोनों जम्पर हमने लगा दिए यहाँ पे, ये ठीक है दोस्तों। ये जम्पर लगाने के बाद में देखिए, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते। ये देखिए दोस्तों, जो मोबाइल पहले वाइट डिस्प्ले था, अब पूरी तरीके से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो चुका है, इसमें डिस्प्ले में ग्राफिक्स आ चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।